हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीएचएम प्लाई जिंदाबाद, पीएचएम प्लाई जिंदाबाद, पीएचएम प्लाई जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पीएचएम प्लाई जिंदाबाद, पीएचएम प्लाई जिंदाबाद। भाग कर टूट। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी जिस तरीके ये जम्मू कश्मीर का जो माहौल बना हुआ है डेली बिजर का, खास करके हम उनकी बात करते हैं, ब्लॉक प्रमंडल के ये यहाँ पीएचए स्टेशन पे जो काफ़ी ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, खासकर आप मेरा कैमरा मैन जरा कैमरा घुमा कर दिखाएगा कि आखिर ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। डेली बियर की कब से ये परेशानी है, कम से कम 25-30 साल से डेली बियर जो है रोड पे जो इकट्ठे होते हैं, इनका आज तक मसले मसाइल जो हैं वो आज तक हल नहीं हुए। एक उनके दिल में एक राहत सी जागी थी कि आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद कुछ अच्छे दिन आएंगे, हमको जो है रेगुलराइज किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। ऐसा उनके साथ सिर्फ दावे और वादे किए गए, ऐसा ज़मीनी सत्ता पे उनके साथ कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये होगा वो होगा, बट खासकर डेली विजर की बात करें और डेली विजर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ ब्लॉक परमंडल की अगर बात करें तो परमंडल के कुछ डेली विजर्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किन क्या चल क्या रहा है डेली विजर के, अगर अब आज तक आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी काफ़ी 30 साल से होती आ रही है, आखिर ये सिस्टम क्या है, बातचीत करते हैं उनसे, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके यूटी अपडेट में। जी, मेरा नाम प्रकाश है। चौधरी साहब ने आपके माध्यम से अपनी जम्मू की सरकार को और भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारी जो 25 साल से हमारी जो डिमांडें हैं, 1996 के बाद कितनी सरकारें आई, सभी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। 25 आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया, भाजपा सरकार के बड़े बड़े वादे थे कि पीएचई डेली बेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, तो आप जितने भी गरीब तबके के लोग थे डेली बेजर से, उनके अंदर एक राहत सी जाग गई कि हमारे ऊपर जो है वो बहुत अच्छे दिन आएंगे, हमें रेगुलराइज किया जाएगा। एक सहारा जो डेली बेजर है उनको ऐसा दिखा कि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद काफी कुछ चेंज हुआ, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हमें यूटी पर बहुत उम्मीद थी कि अभी जो है हमारा जो आर्टिकल 370 टूट गया है, हम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट साथ जाके जुड़ गए हैं, हमारा अभी जो मसले पुराने वो हल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी यूटी बनी हुई है। हम अभी तक हमें ना यूटी की तनख्वाह लागू हुई है, ना हमारा 6.5 महीने का वेतन बकाया जो पेंडिंग पे है, ना अभी वो दिया हुआ, ना हमारी कोई रेगुलर करने की पॉलिसी लागू की उन्होंने, ना ही अभी तक हमारा जितनी सरकार ने, ये बता रहा हूँ कि जितनी सरकारें आई हैं सभी सरकारों ने हमारे साथ धोखा ही किया। और हमें इस सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार पर हमें बहुत ही उम्मीद थी कि जो सरकार आएगी और हमारे मसले हल करेगी, पर ऐसा हमें प्रतीत होता नहीं माहौल है कि ऐसा हो रहा हो। जिस तरह से मेरा एक सवाल रहेगा कि डेली वेयर की जो इस टाइम की पे है वो किस सिस्टम से आपको मिलती है और किस तरीके से मिलती है, रेगुलर आपको पर मंथ की जो सैलरी है वो दी जाती है, और बताएंगे आखिर आपकी सैलरी कितनी है? हमारी जो सैलरी है वो है 750 रुपये पर मंथ। ये पर मंथ की आपको मिलती है, रेगुलर मिलती है? बीच बीच में मिलती है, मतलब आपको रेगुलर नहीं मिलती है? मिलती है। तो आपका जो फैमिली का घर का सिस्टम है, बच्चे हैं आपके काफ़ी बड़े बड़े होंगे, आपने 25 और 30 साल के बीच जो है आपकी सर्विस हो गई है डेली बेसिस की, तो ये बच्चों का जो खर्चा आज शायद मुझे, मैं अपने जो अपनी तजर्बे से मैं बोलता हूँ कि आपके बच्चे कम से कम 11th में ग्रेजुएट भी बच्चे पहुँच गए होंगे, तो आखिर उनका ये पढ़ाई का सिलसिला जो है, एक बच्चे की एडमिशन फीस है जो 15,000 से 20,000 के बीच आती है, तो आपकी जो पे है वो 700 या 7,000 के करीब आपकी पे आपको मिलती है, वो भी आपको रेगुलर नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो ये घर का जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा है? बड़ी मुश्किल चल रहा है। हमारी जो बच्चों की पढ़ाई है ना वो जीरो हो गई है, हम बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए स्कूल में एडमिशन करवानी होती है, पैसे नहीं है,
बच्चों को जब दाखिला होता है जहाँ जब भी उनके मेडिकल सुनाना होता है उनके पढ़ाने की हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको अपनी उनको पढ़ाएं। हमारी ज़िंदगी तबाह तो हुई हुई लेकिन साथ में हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह हो गई है, ये सच्चाई है। नाज़रीन ये डेली विजर का पूरा वाक़या आप देख रहे हैं, खास तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। जो भी इस वीडियो को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो देखें आखिर डेली विजर्स को रेगुलर जो है पर मंथ की सैलरी भी नहीं मिली जाती, कम से कम मैं बोलता हूँ कि 6 महीने 3 महीने एक साल की जो है 700 मिल जाता है। 700 के साथ घर का सिस्टम कैसे चलता है? आजकल जो मजदूर है जो मजदूरी करता है 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, पर मंथ की उसकी सैलरी बनती है 15,000, तो इनको 3 महीने में या 4 महीने में 600 या 7,000 के साथ किस तरीके से ये सिस्टम चलता है? नाज़रीन आप इनके अल्फाजों से भी आप लोगों ने सुना आखिर पूरा वाक़या ये डेली वेजेस का ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा, कब इनके मसले मसाइल जो हैं हल होंगे, इनकी ज़िंदगी को इन खाफ इनके बयानात से भी आपने सुना कि इनकी ज़िंदगी को जो है वो तबाह किया गया है। इनकी तो हुआ हुआ जो इनके आने वाला फ्यूचर है, बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा, कोई और डिमांड रखना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी यही डिमांड है कि हम सरकार हमारी जो बकाया वेतन है वो हमें जल्दी से हमारा रिलीज करे, जो हमारी परमानेंट करने की पार्सल लागू की जाए, जो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में काम करते वो चले गए हैं, मर गए बेचारे, हम चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि उनके घर के एक मेंबर को नौकरी मिल जाए और जो हमारा जो बकाया वेतन है वो जल्द से सरकार रिलीज करे। नहीं तो अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हमारा जो कला जो हड़ताल है जो आगे और बढ़ सकती है और हम इससे और ज़्यादा कड़ाई से पेश आएंगे ताकि जो होगा वो उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम रहता है कि डेली बेसिस की किसी ऑन ड्यूटी पे जो है डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके का ऐसा माहौल बनता है, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि अक्सर इनका कोई बेनिफिट नहीं है, डेली बेसिस किसी कैटेगरी में नहीं आता, जहाँ इस तरीके का क्यों है ये माहौल बना हुआ है डेली बेसिस के साथ? ये कब से ये डेली बेसिस का जो सिस्टम है ये कब तक चलता रहेगा ऐसा सिस्टम? आप कुछ गवर्नमेंट से कुछ भाजपा सरकार के बड़े बड़े वादे थे कि डेली वेयर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जमीनी सत्ता पे कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे जो गरीब लोग हैं वो ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर को झूठी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को झूठी बना दिया गया, गरीब तबके के लोगों के अंदर एक राहत जुड़ी कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ अच्छा आपको देखने को मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमें ऐसा कुछ देखने को मिला है, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी कि अभी जो है आर्डर 307 टूटा है और यूटी की सरकार आई है तो इससे हमें कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा बनेगा, परंतु 2 साल से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू के जो हमारे डोगरे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाजपा सरकार को सपोर्ट किया जी, कि हमारे जो डोगरे हैं उनका कुछ माहौल इस तरीके का चेंज हो जाएगा कि हमारे ऊपर जो है वो अच्छे दिन आएंगे, ऐसा आपको देखने को कुछ मिला कि यूटी बनने के बाद सरकार के जो वादे थे बड़े बड़े वादे किए गए, ऐसा कुछ आपको देखने ऐसा में? कुछ नहीं मिला अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार को अपने इन लोगों को मसले मसाइल हल करेगी तो उससे सरकार को आगे मिलने वाला है, अगर सरकार झूठे वादे करते रहेगी तो फिर सरकार को लोगों की ओर से कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी कोई डिमांड है डेली बेसिस को लेकर? जिस तरीके से आप लोगों ने आज छोटा सा एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो किया, आप लोगों ने हमें भी बुलाया, हमें आपको कवर किया आपकी न्यूज़, तो आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर डेली बेयर्स के साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? अपनी मांग किस तरीके से मतलब कि सिस्टम को पूरा आप कवर करेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन आपका होता है सवाल होता है कि हमारे जो जेन्युइन मसले हैं इनको हल किया जाए? हमारी बस सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारा बकाया वेतन है वो लागू दिया जाए, जो हमारी जो ड्यूटी की जो ड्यूटी की तनख्वाह बनती है वो लागू की जाए, और जो हमारा जितने भी लोग हम लगे हुए हैं चाहे सभी को उनका सिस्टम बना करके उन सभी को प्रमाणित किया जाए, ताकि कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनकी आयु जो है 55 साल 56 54 ऐसे पहुँच गए हैं, वो 2-3 सालों में नौकरी रहेगी, कहीं कोई नौकरी करते कुछ चले भी गए बेचारे वो। तो मेरा सवाल आपसे एक रहेगा जी कि ये इन ऑन ड्यूटी पे मजे थे, इनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरीके का फ़ायदा होता है, इनको पैसे दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान किसी तरीके से? ऐसा कुछ नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ भी ऐसा, कुछ लोग हमारे साथी थे उन्होंने सुसाइड किया
घर का खर्चा नहीं चल पाया, जब इतने दुखी हो गए तो कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने सुसाइड की हुई है, लेकिन सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया। यहाँ तक मेरे सामने कुछ लोग ब्लॉक प्रमंडल के मेरे, उन्होंने कहा है कि जो PHE डिपार्टमेंट को ज़मीन जो है ट्यूबवेल बनाने के लिए दी थी, आज से 4 साल पहले 3 साल पहले 2 साल पहले ज़मीन दे दी ट्यूबवेल बनाने के लिए, अपनी ज़मीन इंतकाल का जो फर्द होता वो भी काट के दिए, अभी तक उनको भी परमानेंट उनकी भी जॉब नहीं लगी, उनका काम नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं यहाँ सरकार से, मुझे कहेंगे सरकार ने क्या किया जी, जो लोगों से ज़मीन ले ली है, ज़मीन भी मुफ्त ले ली है, और उनके घर का एक एरिया कर्मचारी मुफ्त में काम करने के लिए ना समय पर उनका तनख्वाह दी जा रही है, ना उनके कोई रियलाइज करने का। आपको ऐसा तो नहीं ये लगता कि सरकार आपके साथ झूठे वादे कर रही है और आपको लारे दावों में आगे लेके जा रही है, और आपका जो फ्यूचर है दिन ब दिन चेंज होता जा रहा, बर्बादी का एक सिस्टम बन गया है, जितने भी डेली वेयर्स हैं कुछ इस तरीके की माइंड में कुछ बातें होती हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करें कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी देखेंगे आखिर जमीनी सत्ता पे वो क्या। देखिए ये 25 साल से जो हमारे साथ हो रहा है 1994-96 से लेकर के जो आज तक हुआ है वो बराबरी हुआ है, हमें कोई भी किसी सरकार में कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दी है। जैसे कि 95 में आए तब से लेकर आए तक किसी सरकार ने हमारे लिए अच्छा नहीं सोचा, ना अच्छा किया, ना हमें कोई सिर्फ आपके साथ दावे और वादे किए गए, वादे किए गए लेकिन किसी ने जमीन स्तर पर कुछ नहीं हुआ। नाजरीन ये था बाकिया प्रमंडल का और डिस्ट्रिक्ट सांबा का, आखिर डेली बियर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ रहे हैं, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्तों में रोडों में निकल गए हैं, उन्होंने जो है उनका सिस्टम जो था 1 से 1.5 लाख के तक जो डेली बियर्स का जो कम से कम 25-30 साल से जो सिस्टम चल रहा है, कब तक यहाँ तक देखने को मिला है कि उनको रेगुलर जो है पर मंथ की सैलरी भी नहीं दी जाती। अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को देखना चाहिए कि आखिर डेली वेजर्स का, इतने गरीब तबके के लोग जो डेली वेज ड्यूटी करते हैं वो इतने अमीर नहीं हैं, गरीब तबके के लोग हैं, एक राहत सी कि हम गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह जॉब कर रहे हैं, एक दिल में सिर्फ इस बात को लेके, और उनको रेगुलर पे भी नहीं की जाती। एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो डेली वेज हैं उनका आखिर कसूर क्या है, आखिर पूरा बात देखें कि अगर ये परमानेंट ड्यूटी करते हैं, रेगुलर से भी ज़्यादा मैं आपको बोल देता हूँ कि डेली वेयर्स की ज़्यादा ड्यूटी होती है, अगर डेली वेयर्स के बारे में नहीं सोचेंगे इनका तो फ्यूचर आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन एतवा किया है, बट इनके बच्चों का भी जो है उसका फ्यूचर चेंज हो रहा है, उनको जाने स्कूल जाने के रेगुलर बच्चे का जो खर्चा है 300 से 400 तक आज के ज़माने में, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि उनके बच्चों का भी इतना खर्चा हो गया है। तो अब मैं बता दूं कि 1-7 हज़ार से वो 3 महीने के 4 महीने के बाद वो किस तरह से डेली वेयर की ड्यूटी करेगा, उनकी जो दिल की चाहत है, दिल का एक सुकून है, वो छीना जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इस चीज़ पे आप लोगों को, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको देखना चाहिए। इसी के साथ देखिए यूटी अपडेट की टीम को दीजिए इजाज़त।